लिए आपको खोलना है सर XIRR कैलकुलेटर। मैंने क्या बोला? इधर मैंने बोला IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, कौन सा खोल लिया? XIRR कैलकुलेटर। ये क्या बात हुई? X कहां से अलग से लग गया? सर X का वैसे मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कई लोगों को मैंने सुना है और कब से सुन रहा हूं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे फाइनेंस के जानकार लोग, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्स, ये XIRR और IRR को सेम बताते हैं, लेकिन सेम नहीं है। अभी प्रूफ करता हूं, साबित करता हूं, अलग अलग है। हाँ, कैलकुलेटर अपने को सेम यूज होगा, कैलकुलेटर सेम यूज होगा, लेकिन फर्क कैसे है बताता हूं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें नॉर्मल कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, ये एक्सेल में आप अच्छा इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक वेबसाइट मैंने ढूंढा, विनदीप करके, पता नहीं कोई, मैंने XIRR कैलकुलेटर डाला तो 3-4 लिंक के बाद ये विनदीप था। विनदीप सर्च कर लेना, प्रमोशन नहीं है कुछ भी, तो ये ठीक लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये वाला खोल लिया। बाकी में तो अलग अलग गड़बड़ टाइप के भी हैं कई सारे, तो कंफ्यूज ना होना। इसमें क्या है सर, हम SIP कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, हम जो हर महीने एक फिक्स रेट पे पैसा डाल रहे हैं, मुझे टोटल उसका रिटर्न कैलकुलेट करना है कितना बन रहा है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है मेरे को, टारगेट हमारा ये है, ठीक है। और हमने जैसे बात कर लिया कि SIP के लिए CAGR परफेक्ट कैलकुलेटर नहीं है, CAGR ही करते हैं, गलत नहीं है उसमें भी, लेकिन परफेक्ट नहीं है। हमें सही अगर उसका आंकड़ा निकालना है तो वो XIRR कैलकुलेटर अभी बताएगा हमारे को, ठीक। अच्छा, इसमें कैसा क्या हिसाब किताब है, यहाँ पर देखना, ये कैसा कैलकुलेटर है, ये बेसिकली एक्सेल का फॉर्म है, और यहाँ पर मैंने सेम डेट को देखना, 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024, 3 जनवरी 2024, सॉरी जनवरी कह रहा हूँ, 1 तारीख जनवरी में, वही 1 तारीख फरवरी में, वही 1 तारीख मार्च में, वही 1 तारीख अप्रैल में, ऐसा करके पूरे 12 महीने मैंने हजार रुपये डाले। अच्छा, जहां पर ये फिगर आप डालोगे माइनस जरूर डाल देना, माइनस इसलिए डालना है क्योंकि हम बता रहे हैं मेरा 1000 रुपए मैंने डाला, मेरे बैंक अकाउंट से कटा, इसलिए माइनस। हर महीने हजार रुपए मैंने डिपॉजिट किए, हर महीने हजार रुपए मेरे बैंक से कटे, कितने समय तक, पूरे 1 साल तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक मैंने कटवाए। ये देखो, आखिरी मैंने दिसंबर 12वें महीने पे किया, और मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे 13,000 रुपये मिलता है अगले महीने, यानी कि 2025 को 1 जनवरी को 13,000 रुपये मुझे मिलता है। मैंने डिपॉजिट कितना किया? 12,000। मिल कितना रहा है मुझे? 13,000। तो 1,000 बढ़ के मिल रहा है। अब मुझे सवाल बताइए कि सर, फिर से वही बात जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, ये 1,000 तो पूरे 1 साल इन्वेस्टेड रहा, लेकिन अगर मैं इस 1,000 की बात करूं, ये तो सिर्फ एक ही महीने इन्वेस्टेड रहा, तो मैं इस पर CAGR कैसे ले सकता हूं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट? अरे इसका तो साल हुआ भी नहीं, और ये 1,000 2 महीने रहा, ये 1,000 3 महीने रहा, तो मेरे को यहां पे XIRR की जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशन फॉर्मूले पर मैं जाऊंगा नहीं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि मैं मैथ फ्री रखूंगा आपको, फॉर्मूला जाए भाड़ में, अपने को गूगल पे सब है, तो मैं गूगल वाला काहे नहीं यूज करूं, काहे बुद्धि लगाऊं उसमें, ठीक है। तो फिर ये हमने 13,000 यहां पे मान लिया, तो हमने देखा कि 15.66 पर एनम, यानी कि 15.5% पर एनम मेरे को रिटर्न मिला, 15.5% पर एनम। अच्छा, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने CAGR कैलकुलेटर खोला था, उसमें तो परसेंटेज कुछ और था, यहां 12,000 एक साल के लिए मैंने छोड़ा, 13,000 बन गया, तो यहां 8.33 और वहां 15.5, वहां ज्यादा मुझे मिल रहा है, ज्यादा बन रहा है, ऐसा कैसे? सर समझना, ये 12,000 पूरे 1 साल रहा है इन्वेस्टेड, और इस 12,000 की ग्रोथ थोड़े टाइम पे होती रही, मतलब 12 पहले 12.5 बना होगा, फिर 12,600 बना होगा, फिर 12,700 बना होगा, ऐसा बनता वो 13,000 बना, तो 8.5% के आसपास यहाँ रिटर्न दिख रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ गया? हाँ, यहाँ तो मैंने 12,000 एक बार में डाला ही नहीं, मैं 1,000 कर डाल रहा हूँ, हाँ, और 13,000 रिटर्न मिल रहा है, 13,500 मुझे मिल रहा है, 15.5%। इसीलिए SIP लमसम से मैक्सिमम टाइम में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देती है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देती है, क्योंकि SIP एवरेजिंग का गेम है सर, मार्केट कभी नीचे होगी ऊपर होगी, नीचे होगी ऊपर होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। XIRR कैलकुलेटर, अच्छा,
एक बड़ी चीज, मैंने IRR बोला, SIP में चलेगा, RD में चलेगा, जहां भी एक फिक्स डेट को चल रहा है। लेकिन अगर XIRR, अभी IRR की बात कर रहे थे हम, लेकिन XIRR, लेकिन अगर इस डेट को मैंने 2000 कौन सा महीना है ये, चौथा महीना, चौथे महीने को मैंने 1 तारीख को पैसे नहीं कटवाए, यहां ध्यान रखना 15.66% है, चौथे महीने 1 तारीख को मैंने पैसे नहीं कटवाए, मैं कटवा रहा हूं 25 तारीख को पैसे, सिर्फ चौथे महीने 15.83, बढ़ गया, मतलब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मुझे। सर आठवें महीने को 1 तारीख को नहीं कटवाया मैंने, 14 तारीख को कटवाया, 15.92, और बढ़ गया, जादू हो रहा जादू। मैंने अक्टूबर में 19 तारीख को कटवाया 16%, ये क्या जादू है भैया, ऐसे कैसे हो रहा है, डेट ही तो बदला है सिर्फ। हाँ, क्या होता है XIRR और IRR में फर्क, अब समझाता हूं हमने किया क्या। कई बार हम कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, जैसे ETF में, ETF के हमने 2-3 वीडियो करे थे और हमने बताया था कि जब भी डिप हो आप वहां खरीद सकते हो। सर 1 तारीख को मैंने, सॉरी जनवरी महीने में मैंने इन्वेस्टमेंट करा 10 तारीख को, फरवरी में 12 तारीख को, मार्च में 2 ही तारीख को मैंने कर दिया, जहां मुझे डिप मिल रहा है, जहां मार्केट गिरा हुआ मुझे लग रहा है, वहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भैया आज आप डालोगे तो 1-2 दिन बाद वहां NAV एलोकेट होता है ना, और वहां एग्जिट करोगे साल भर 2 साल पहले से, तो एग्जिट लोड भी लगेगा, प्लस एक्सपेंस रेशियो तो आपके घुसते ही ले लिया जाता है, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ETF में मिलता है या किसी इंडिविजुअल स्टॉक में मिलता है। तो आप अगर इसका फायदा उठाना लेना चाहते हो कि जब भी मार्केट गिरे तभी मैं इन्वेस्ट करूं, जब मार्केट ऊपर हो तब मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना, अभी तो प्रॉफिट रहने दो, मेरे को डालना कब है, जब मार्केट गिरा रहे, हाँ कम पे है तब मैं डालूंगा, मेरा 10 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाए कल 12 बनेगा तो ठीक है, बढ़िया है। होता क्या है, स्टॉक मार्केट ऐसे 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 करके जाता है आपको, अच्छा इसको थोड़ा सा और कर देता हूं, अच्छा ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है ना, आपको यहां यहां इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर आपने SIP कर दिया है तो कभी वो यहां इन्वेस्ट होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। लेकिन मैं थोड़ा चालाकी बता रहा हूं कि मैं सिर्फ लो पॉइंट पे ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसका रिटर्न ज्यादा निकल के आता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ ETF में पॉसिबल है, इंडिविजुअल स्टॉक में पॉसिबल है, ठीक है। और जब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरा कोई कर मैं हर महीने रहा हूं लेकिन डेट मेरा अलग अलग है, कभी इस डेट को कर रहा हूं कभी उस डेट को कर रहा हूं, तो मैं IRR से कैलकुलेट नहीं कर सकता, IRR से सिर्फ SIP कैलकुलेट किया जाता है जो कि हर महीने फिक्स डेट को जाता है। वहां पर हमें XIRR की जरूरत है, जहां पर मेरे को डेट फिक्स नहीं है, हर महीने जो अलग 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 है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ETF या मैनुअल SIP, मैनुअल SIP का मतलब किसी स्टॉक में जो हम SIP करते हैं हर महीने हम खुद ही डालते हैं डेट चूज करके, उसको भी SIP हमने बोल दिया। लेकिन जो ट्रेडिशनल SIP जो हर महीने अपने आप कटता है बैंक से, उसमें ये फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भैया अगर मैनुअली SIP करें तो ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस में भी यही होता है, इंश्योरेंस में भी, हालांकि ज्यादातर इंश्योरेंस तो देखो फिक्स होता है, आपको इस साल में इतने डेट को आपका कटता ही कटता है ज्यादातर, लेकिन कई सारे इंश्योरेंस ऐसे भी होते हैं 3 साल तक इतना पे करो, फिर अगले 3 साल तक कुछ मत देना, फिर अगला 3 साल देना, फिर अगला 2 साल देना, फिर अगला 4 साल देना, और 25 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा। आदमी कंफ्यूज है, कैसे कैलकुलेट करे, भैया कितना दिया कितना लिया हमको पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे में XIRR कैलकुलेटर आपकी हेल्प करता है। यहां CAGR भी फेल है, वहां IRR भी फेल है। एब्सोल्यूट तो लोग आपको बताएंगे 468%, जैसा मैंने शुरुआत किया वो तो एकदम फर्जी वाला है, बात वो भी सही है, गलत नहीं बोल रहा वो एजेंट है, लेकिन वो एब्सोल्यूट रिटर्न बता रहा है, लेकिन मेरे को उससे क्या मतलब, मेरे को ये बता भाई XIRR कितना मिल रहा है, XIRR रिटर्न कितना मिल रहा है वो निकाल के बता मेरे को, ठीक है। तो ये देखना, हालांकि इंश्योरेंस में
कुछ लोग बोलेंगे आपको पता नहीं इंश्योरेंस तो लाइफ की सेफ्टी के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, रिटर्न के लिए थोड़ी होता है। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कितने लोग इसके लिए लेते हैं? अगर लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लेना है तो टर्म लो ना, ये रिटर्न वाला क्यों लेते हो फिर? बात कर रहे फालतू बात मत करना, सुना दूंगा मैं। 10 में से 8 लोग लाइफ की सेफ्टी के लिए नहीं लेते, रिटर्न के लिए लेते हैं, और इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये। ठीक है अच्छा, एक साइबर कैलकुलेटर मैंने बता दिया, मस्त बता दिया ना, एकदम मस्त। ठीक है मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिला क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मजा आ रहा है, सॉरी क्या बताया जबरदस्त ऐसा लिख के बताओ तो। ठीक है अब अगली बात आती है सर कि म्यूचुअल फंड ऐप में जो दिखता है वो कौन सा परसेंटेज होता है, तो लाइव दिखाई देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लो फोन में दिखाई देता हूँ अभी। यस मेरी स्क्रीन आपको सामने दिख रही है, तो अब मैं अपना पेन निकाल लिया मैंने फोन से और यहाँ सीधा मैं म्यूचुअल फंड वाले टैब पर आ गया। मैंने एंजल वन खोल रखा है, एंजल वन मैं कई बार दिखाता भी रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, अगर आपने नहीं करा तो एंजल वन को डाउनलोड करके आप भी KYC करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एंजल वन म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में मैं आया यहाँ पर। अच्छा लास्ट टाइम का अभी सर्च आ रहा है, लास्ट वीडियो जो आपने आपको बताया था कॉन्ट्रा फंड वगैरह, चलो इसी पर मैं क्लिक कर लेता हूँ कॉन्ट्रा फंड पर। ये देखो 30% दिखा रहा है, ये 33%, ये 42%। सवाल ये उठता है ये कौन सा है, एनुअलाइज है या कोई और है, आप बताते हैं सर। यहां पे देखो एनुअली फॉर लास्ट 3 ईयर, ये क्या बता रहा है, एनुअली लिखा है फॉर लास्ट 3 ईयर, मतलब पिछले 3 साल का परसेंटेज आपको CAGR, ये CAGR बोल रहा है एनुअली, हर साल अगर देखा जाए तो ये 30% का रिटर्न है। अच्छा इसी को मैं जब चेंज करता हूं, मैं 3 साल को 5 साल कर देता हूं, तो 5 साल में ये बोल रहा है 28% एनुअली फॉर 5, मतलब 5 साल का जब ये CAGR जब निकाल के दे रहा है तो 28% निकल के दे रहा है। तो मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम जगहों पर, या हमने भी लास्ट कई सारे वीडियो में जो CAGR बताया है CAGR ही बताया जाता है, लेकिन परफेक्ट फिट इसके लिए XIRR या IRR कैलकुलेटर है। ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है, तो यही मोटा मोटी आपको दिखाना था। बाकी ये कॉन्ट्रा फंड PSU फंड क्या होता है, SBI वाला जो वीडियो हमने 1 मिलियन क्रॉस हो गया शायद 10 दिन में ही, वो वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा।